इनकम टैक्स चोरी और पॉलिटिकल फंडिंग मामले में एक्शन में आया आयकर विभाग। मुंबई के सायन और बोरीवली इलाके में इनकम टैक्स की छापेमारी। पार्टी को डोनेशन देने के नाम पर हजारों करोड़ रुपयों के टैक्स चोरी करने का जताया है अंदेशा। देश भर की 87 छोटी मोटी राजनीतिक पार्टियों पर हुई है छापेमारी। उन्नीस सौ तिरानबे बम ब्लास्ट मामले में फांसी पा चुके आतंकी याकूब मेनन की कब्र विवाद पर मुंबई पुलिस का एक्शन। कब्र के पास लगी लाइटिंग को पुलिस ने हटाया। मार्च महीने में लगाई गई थी लाइटें। याकूब की कब्र विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस और पूर्व महाराष्ट्र सरकार पर उठाए सवाल। गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के मामले में मुंबई पुलिस ने आंध्र प्रदेश के एक सांसद के पीए को किया गिरफ्तार। मुंबई के मालाबार हिल में स्थित डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा के दौरान संदिग्ध रूप से घूम रहा था शख्स। राजधानी दिल्ली में आज विजय चौक से इंडिया गेट तक की नए अवतार में दिखाई देगी तस्वीर। 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य मूर्ति का भी होगा अनावरण। आज से कर्तव्य पथ कहलाएगा दिल्ली का राजपथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन। पी चिदंबरम, अशोक गहलोत समेत कई सीनियर नेताओं के साथ राहुल गांधी ने शुरू की पदयात्रा। कहा, देश को जाति, धर्म और भाषा के नाम पर बांटना चाहती है बीजेपी। शराब नीति में घोटाले के आरोपों के बीच एक बार फिर संकट में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। स्टैम्प ड्यूटी की चोरी का लगा आरोप। एलजी ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के घर पर 28 घंटों से लगातार जारी है आईटी की छापेमारी। मंत्री राजेंद्र यादव का केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, आईटी अफसरों को मेरे घर और दफ्तर की तलाशी लेने के लिए केंद्र सरकार ने भेजा। पीएफआई कनेक्शन को लेकर एक्शन में एनआईए। बिहार के छपरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और अररिया समेत कई जिलों में की छापेमारी। एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव मजहरुल एहसान के घर पर भी एनआईए की छापेमारी। यूएई में चल रहे एशिया कप 2022 की फाइनल की रेस से बाहर हुआ भारत। रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान को एक विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। ग्रुप फोर के अंतिम मुकाबले में आज आमने सामने होगी अफगानिस्तान और भारत की टीम। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तानी फैंस ने शारजा स्टेडियम में जमकर मचाया उत्पात। दोनों टीमों के फैंस के बीच हुई मारपीट। गुस्साए अफगानी फैंस ने पाकिस्तानी फैंस को कुर्सियों से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल।